अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, फिट है, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम हैं मरी के टूर पे और अब हम जा रहे हैं नथिया गली की जानिब। दोस्तों अगर आपने कल का एपिसोड नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, हमने कल डन्ना रोड से अपना सफ़र स्टार्ट किया था और हम अब पहुंच रहे हैं, करीब हैं, कुछ मिनटों में पहुंच जाएंगे बंदर गली। दोस्तों तो बंदर गली के बाद हम जाएंगे नथिया गली, उसके बाद अयूबिया जाना है, अयूबिया नेशनल पार्क कवर करना है, उसके बाद नथिया गली पार्क और फिर एक ज़िप लाइन है जो बच्चों की ज़िप लाइन यहाँ पर लगाई गई है और वो भी नथिया गली पार्क में ही है। उसके बाद हमने करना है नमली मैरा वाटरफॉल। दोस्तों तो मौसम आज का काफ़ी ज़्यादा सुहाना है, सुबह ही बारिश होती रही, जैसे ही बारिश थमी है तो हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया था और ये तकरीबन हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों उतरते हो? उतरे, अकेले रहते हैं, अकेले के दिल के बाबा। बेटा यहाँ पे रोको ना, जगह ही नहीं है, पार्किंग देखनी पड़ती, तू मजाक है, कहीं भी रोक दो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्किंग पर लगानी है और आज बंदरों के साथ फुल मौज मस्ती करनी है, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। सामने ही आपको एक बंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल रोड के उस तरफ है। दोस्तों तो अभी हम कोशिश करते हैं कि केले इनको दिए जाएं जो हमने 2 दर्जन केले लिए थे रास्ते में ही। तो ये सामने एक और बंदर मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसकी तरफ एक केले का छिलका फेंकते हैं, देखते हैं कि ये उसे उठाता है या नहीं उठाता। दोस्तों तो अभी तो यही महसूस हो रहा है कि इसका पेट भरा हुआ है और इसका बिल्कुल मूड नहीं है मौज मस्ती करने का, ये आराम पसंद बंदर है। मैंने ना मार मेरे छोटे छोटे बच्चे ने। ये बंदर ये बड़ा शरीर लग रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि मैं उसके करीब जाऊं, करीब जाऊंगा तो ये काटी मूटी कर लेगा, मैट करना काटी मूटी। बड़े गौर से मुझे देख रहा है ये बंदर, को नुकीले दांत हैं इसके बड़े ज़्यादा। आमीन, इधर ना आना। ऊपर जा रहा हूँ। दोस्तों ये सामने वाला रास्ता जा रहा है नथिया गली की जानिब और आपको वेदर आज काफी सुहाना दिखाई दे रहा होगा, काफी क्लाउड्स दिखाई दे रहे होंगे सामने और ये नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत गहरी खाई जो बिल्कुल गहराई नहीं दिखाई दे रही क्योंकि बादल हैं अच्छे खासी तादाद में यहाँ पर। मुझे बंदर देख ले, बंदर के साथ खेलना है और काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है ये और काफ़ी कादावर यहाँ पर दरख्त भी हैं और इन्हीं दरख्तों की वजह से यहाँ पर ठंड होती है और काफ़ी VIP मौसम रहता है, हर जगह आपको दिखाई देगा मरी में और KPK में। इस वक्त तो हम फ़िलहाल KPK में मौजूद हैं और नथिया गली की जानब जा रहे हैं, ट्रैफिक अपने ज़ोर शोर से रवा दवा हैं दोस्तों और मौसम भी काफ़ी VIP है, फुल क्लाउड्स हैं। दोस्तों मरी और KPK यानी नथिया गली की ये खासियत भी है कि यहाँ हर कुछ किलोमीटर के बाद मौसम तब्दील होता रहता है, कभी बारिश हो जाती है और कभी बादलों से भरा हुआ मौसम हो जाता है। दोस्तों आगे चढ़ जाएगा ये।
तुम्हें नहीं दिया ना वो गरीब चले मैं तो उठा रही थी वो तो मेरे पास जो खुद आ गया मैं कहती इसको दूं ये ले उसकी किसी अंदर पड़ गई मजे कर अम्मा मैं पहले डरती थी। आ जाएं दोस्तों इस बंदर का पीछा करते हैं और देखते हैं कि ये उन केलों के साथ क्या करता है। मुझे लगता है ये अकेले ही उन सब को ख़त्म कर जाएगा, खा जाएगा, फिनिश कर देगा। तो ये देखें, ये बैठा है साइड पे छुप के एक कार के पीछे ये बंदर, और सारे ये केले निकालने की कोशिश कर रहा है छापर में से, लेकिन इसको लगा कि साथ कोई और लोग आ चुके हैं, इसलिए ये हिफाजत के लिए अपने केलों को उठा के किसी ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर कोई बंदा इसको देखे ना, इससे ये केले छीने ना। तो ये अब साइड पे पहुँच चुका है, यहाँ पे इसने महसूस किया कि यहाँ मैं सुकून से बैठा हूँ, इसलिए इसने शॉप पर अलहदा कर लिया। लेकिन अब फिर ये मज़ीद मुझसे दूर चला गया, ऐसे लग रहा है कि जी मैं इसे करीब आके केले खींचूँगा इससे केले, लेकिन मैंने सिर्फ तो इसकी वीडियो बनानी है बस। ये देखें ये मज़े लेके कैसे हमारे केले खा रहा है, जो अभी हमारे बच्चों से ये केले खींच गया है और एक तरतीब से एक तरीके से इन केलों को छील रहा है अपने मुँह से, और फिर पूरा का पूरा केला अपने मुंह में ये निगल लेता है और उनको ख़त्म कर देता है। दोस्तों ये एक और बंदर यहाँ पे मौजूद है और इसको लगता है किसी ने या तो चिप्स का पैकेट दिया है या तो ये ख़ुद खींच गया है, इसे मालूम नहीं है इसके अंदर क्या चीज़ है। अभी तो ये इसे खोल रहा है, इसका ये पूरा ना ऑपरेशन कर रहा है, तो देखते हैं क्या करता है ये इसके साथ। तो अभी तो यही महसूस हो रहा है कि इसको चिप्स बिल्कुल पसंद नहीं आए और काफ़ी स्पाइसी होंगे चिप्स, इसलिए इसने ये शापर को फेंक दिया है। दोस्तों देखा आपने कितने कमाल अंदाज से इसने इस सेब को कैच किया है, जैसे कि इंसान कैच करते हैं किसी बॉल को, तो इसने बड़ी खूबसूरती से इसको कैच किया और इसको आहिस्ता आहिस्ता से खा रहा है और इधर उधर भी देख रहा है कि कोई मुझसे ये खींच ना ले, कोई मुझसे ये झपट ना ले। तो ये अपनी सिक्योरिटी भी फुल कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये इस सेब को खा भी रहा है दोस्तों। तो दूसरे बंदर को देखते हैं जो हमारा केले हमारे खींच गया था, तो उसको देखते हैं वो क्या कर रहा है यहाँ पर दोस्तों। ये हमसे शापर छीन गया। अच्छा, मैंने क्या किसी से निकाल दिया? ओए ओए, क्या चीज़? उधर एक बच्ची पर हमला किया। आपका बच्चा तो किस का था यार? हमला भी तो किया, खतरनाक चीज है। एक बच्ची का उसका तो दोस्तों कितने सुकून से ये केले खा रहा है और अकेले ही उनको सफ़ा हस्ती से मिटा रहा है बैठ के, किसी के उसने सलाह मशवरा भी नहीं किया कि भाई जान आप आके खा लें, किसी बंदर को भी कह देता, किसी अपने कबीले वाले को कहता, लेकिन बस अकेले अकेले चट कर रहा है सारे केले। दोस्तों साइड पे जितने भी आपको कद्दावर दरख्त देखने को मिलेंगे, अक्सर पे आपको ऐसे ही बंदर बैठे हुए दिखाई देंगे। तो मेरे साइड में एक काफ़ी ऊँचा दरख्त था, तो वहाँ पर ये बंदर सुकून से खेल कूद कर रहे थे, पूरी की पूरी फैमिली यहाँ बंदरों की बैठी हुई है ऊपर, और यहाँ पे
बिल्कुल फुटपाथ पे साइड पे ये एक और बंदर, और ये पता नहीं क्या खा रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग आते जाते हैं वो इनको कुछ ना कुछ खाने को देते रहते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो इनसे छेड़खानी करते हैं। तो उनको मैं ये कहूँगा, पैगाम दूँगा कि इनसे छेड़खानी बिल्कुल ना करें, इनको तंग बिल्कुल ना करें। ये भी अल्लाह की मखलूक हैं और ये भी जीना चाहते हैं, ये भी जानदार हैं। तो इनको आप खाने पीने की चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड करें, लेकिन वो भी सही चीज़ें, वो चीज़ें ना दें जिनसे इनका नुकसान हो, इनके मैदे ख़राब हो, इनको तकलीफ़ हो और ये बाद में बददुआएं दें आपको। तो कोशिश करें, इनका ख्याल करें, ये जानदार हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, इनके लिए आप आसानी पैदा करें और इनको कुछ ना कुछ खाने को दे दिया करें, जिससे ये आपके लिए दुआ भी करेंगे दोस्तों। तो ये देखें कैसे झुंड के झुंड यहाँ आपको देखने को मिल रहे होंगे बंदरों के, जो आराम कर रहे हैं शाखों पर बैठ के इन ऊँचे ऊँचे दरख्तों की। और कुछ ये सामने से बंदर भी आ गए हैं, कुछ ये पूरा एक कबीला चल पड़ा है, ये मेरी तरफ आ रहे हैं आस्ते आस्ते। मैं थोड़ा सा डर भी रहा हूँ क्योंकि ये अचानक ही हमला कर देते हैं, अचानक ही छीना झपटी शुरू कर देते हैं। जो भी चीज़ आपके हाथ में हो, पहले तो कोशिश करते हैं, अगर खाना पीना हाथ में है तो वो तो ये बिल्कुल नहीं बख्शेंगे आपको। हाँ, और चीज़ होगी तो शरारतन शायद वो खींच लें, जैसे मेरे हाथ में ये कैमरा है तो ये ना हो ये खींच लें। तो मैं थोड़ा सा एहतियात भी कर रहा हूँ, तो आप भी एहतियात कीजिएगा, यहाँ पर आके छेड़खाने बिल्कुल मत कीजिएगा इनके साथ। बस हल्का फुल्का इनको देखते रहें, इनकी वीडियोस बनाते रहें, इनके साथ एंजॉय करते रहें, इनको खाने को कुछ ना कुछ दे दिया करें ज़रूर। तो ये देखें कितने ज़्यादा तादाद में, कितनी बड़ी तादाद में आपको यहाँ पर बंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं इस पॉइंट पर, और वो अपने बच्चों के साथ इनको हरकतें करता देख रही है और इन्जॉय कर रही है भरपूर अंदाज में। तो ये एक और बंदर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये भी कुछ खा रहा था यहाँ पर, लेकिन ये उस चीज़ को फेंक के चला गया, शायद वो इसके मतलब की चीज़ बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ पे एक और माँ बंदर और उसकी बच्ची या बच्चा बंदर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये उसका बेबी है जो उससे चिमटा हुआ है और सहमा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूसरे इसके जो इस नस्ल से मुताबकत नहीं रखते, मतलब इंसान आए हुए हैं, तो ये उनको देख के डरा हुआ है, सहमा हुआ है अपनी सिक्योरिटी के वजह से, इसलिए ये माँ को बिल्कुल नहीं छोड़ा। अभी देखना ये आस्ते आस्ते अपनी माँ की तरफ आ जाएगा, ये देखें कैसे ये अपनी माँ की तरफ लपका है। तो यही वजह है कि ये काफ़ी सहमा हुआ और डरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा कोई और नस्ल के लोग भी आए हुए हैं दोस्तों। तो आप भी ख्याल कीजिएगा, इनका भी ख्याल करें, अपने बच्चों का भी ख्याल करें, क्योंकि ये तो जानवर हैं, इनको तो कोई सलीका नहीं होता, आपने ही अपने बच्चों की हिफाजत करनी है और इनका भी ख्याल करना है। ये देखें बच्चा कैसे खेल कूद कर रहा है यहाँ पर, अपनी माँ के साथ सिक्योर फील कर रहा है यहाँ पर दोस्तों। तो वो सामने आपको और बंदर भी ऐसे एक दूसरी टहली पर जंपे मारते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये अभी एक टहली पर है, दूसरी टहली पर ये अभी जंप मारेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये खेल कूद कर रहा है यहाँ पर और इन्जॉय कर रहा है, अपने टाइम को स्पेंड कर रहा है। और अभी देखते हैं और मज़ीद बंदरों को देखते हैं ज़रा, ये एक दूसरे के पीछे भागते हुए फिर रहे हैं यहाँ पर बंदर, काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ बंदर भी मिल जाएंगे आपको, और बहुत सारी और खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी यहाँ पर दोस्तों। तो ये एक और फैमिली यहाँ पर बैठी है सुकून से, ये माँ और उसका बेटा, और ये सुकून फरमा रहे हैं इस दरख्त की जड़ पे बैठ के दोस्तों, और ये इस टाइम को, इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और खाने पीने की चीज़ें तलाश कर रहे हैं कि कोई चीज़ हमें यहाँ से मिले, या कोई आते जाते लोग यहाँ पर गुजरते हुए हमें कुछ ना कुछ दे कर जाएँ, ताकि हम आज का गुजारा कर सकें अपना। तो ये कैसे देखें खेल कूद कर रहा है ये बच्चा, छोटा सा बंदर का बच्चा इंजॉय कर रहा है अपनी माँ के साथ, बिल्कुल सिक्योर फील कर रहा है, क्योंकि इसे माँ के बगैर सुकून ही नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया तो उसके लिए बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा डरावा सहमा हुआ है, इसलिए अपनी माँ को चिपका हुआ है दोस्तों।